सो गाइस, कुछ टाइम पहले कोलैबोरेशन जो है वो गुरुंदावा की तरफ से कंफर्म करी गई थी कि हमें देखने को मिलने वाले हैं दो वर्ल्ड के नंबर वन सिंगर। एक सिंगर वो है जिसके गाने हमें आज तक समझ में नहीं आए, लेकिन उसके गानों पर डांस तो हम करते रहते हैं और अपने लिप्स को हिलाते रहते हैं भले वो गाने के साथ मैच करे या नहीं। बात कर रहा हूँ जस्टिन बीबर की और हमारे गुरुंदावा की बारे में। जी हाँ गाइस, बहुत टाइम पहले गुरुंदावा ने कंफर्म कर दिया था कि जस्टिन बीबर और गुरुंदावा के साथ में कोलैबोरेशन होने वाली है, यानी कि गुरुंदावा फीचरिंग जस्टिन बीबर होने वाली है। ऐसा कुछ भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली थी, तो फाइनली ऐसी कुछ अपडेट है कि अगले साल एक इंटरनेशनल सॉन्ग हमें देखने को मिलने वाला है। अगर बात करी जाए वो किसके साथ है, क्योंकि गुरुंदावा के 5 इंटरनेशनल सॉन्ग जो है वो कन्फर्म हुए हैं, बाय गुरुंदावा की तरफ से ही कंफर्म किए गए हैं। लेकिन अगर बात करी जाए अगले साल चांस फुल है कि हमें एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद गुरुंदावा देखने को मिले, चाहे वो हो सकती है एलवी आर्टिस्ट की, चाहे वो हो सकती है जस्टिन बीबर की, इसकी चांसेस कम है लेकिन हो सकती है, चाहे वो हो सकती है डेविडो के साथ। तो दो बचे हुए आर्टिस्ट जो है वो उनके नाम आप लोग मेरे को बताना। तो फाइनली अगले साल हमें डेफिनेटली एक इंटरनेशनल सॉन्ग ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरंदा वो आर्टिस्ट है जो मतलब कह सकते हो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो करते हैं, और जब करते हैं तो नेक्स्ट लेवल सॉन्ग जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट होता है, जो कि हमने स्लोली में देखा है। और आई थिंक जो हमारे इंडिया की जनता है उनको भी कुछ नया फ्रेश म्यूजिक मिलता है, फ्रेश कोलैबोरेशन मिलती है, ऐसा म्यूजिक देखने को मिलते हैं, ऐसे कमाल के कैची लिरिक्स देखने को मिलते हैं जो उन्होंने कभी सुने ना हो, और हमारा जो इंडिया का म्यूजिक का जो माहौल है वो एकदम कह सकते हो नेक्स्ट लेवल चला जाता है, ग्लोबली चला जाता है, और जिस आर्टिस्ट के साथ वो कोलैबोरेशन करते हैं। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी, पॉसिबल है कि अगले साल एक कोलैबोरेशन फाइनली रिलीज कर दे टी सीरीज विद गुरुंदावा। आपको ये अपडेट कैसी लगी? यूट्यूब का एकमात्र चैनल जो गुरुंदावा की अपडेट्स डेली देता है, तो सब्सक्राइब नाउ।